हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप डेट कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है गौस की प्रमेय, 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर गौस की प्रमेय। तो डाल देता हूँ पहले मैं हेडिंग गौस की प्रमेय। गौस की प्रमेय, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको गौसेस थ्योरम। गौसेस थ्योरम ठीक से पढ़ लेना, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इससे पहले एक वर्ड बताता हूँ तुम्हें, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इससे पहले पढ़ा जाता है एक वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले याद कर लेना वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स होता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से दर्शाते हैं। पहले तो इसके बारे में देखो क्या होता है, ये फाई ई से दर्शाते हैं वैद्युत फ्लक्स को। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, हो जाएगा याद, इसे फाई से दर्शाते हैं। अब गौस की प्रमेय क्या होती है वो देख लें आप। तो सबसे पहले जो है गौस की प्रमेय, तो एक मैं छोटा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ, और उस फॉर्मूले से हम पूरी गौस की प्रमेय निकाल देंगे। फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मैं कैसे इस फॉर्मूले से पूरी की पूरी डेफिनेशन निकालता हूँ गौस की प्रमेय की। तो ध्यान रखना, देखो सबसे पहले क्यू क्या है, ये आवेश होता है। आवेश कौन सा होता है वो चेक कर लो। मान लो ये एक बंद पृष्ठ है, ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है, और इस बंद पृष्ठ के भीतर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। गुब्बारा मान सकते हो, गुब्बारा हो गया, गेंद हो गया, इन सब के जो पृष्ठ होते हैं वो बंद होते हैं। तो प्लस क्यू क्या है, एक आवेश है जो एक बंद पृष्ठ के भीतर स्थित है। ठीक है, तो अब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान देना, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हो आप, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो होता है वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जिसे फाई से दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं। अब देखो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान देना पृष्ठ बंद है, इसके भीतर आवेश प्लस क्यू रखा है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। याद हुआ, ठीक है, इसलिए इस बंद पृष्ठ के भीतर क्या रखा है मैंने, इस बंद पृष्ठ के भीतर प्लस क्यू आवेश रखा है। अब इस प्लस क्यू आवेश से ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं जिन्हें आप वैद्युत फ्लक्स कहते हो। तो किसी बंद पृष्ठ के भीतर स्थित, ठीक है, या मैं बोलूँगा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस प्रश्न द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो जरा मुझे बताओ ये क्या होता है ε0, किसे कहते हो आप ε0। तो जहाँ ε0 क्या है, क्या नाम है इसका, जहाँ ε0 होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या बोलते हैं इसको, निर्वात की वैद्युतशीलता। चलो ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसकी मैं परिभाषा ले देता हूँ गौस की प्रमेय की, इसे हटा दे रहे हैं। देखो क्या होती है, तो इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का, यानी कि क्यों, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि अर्थात मैं लिख सकता हूँ इसको फाई बराबर क्यू अपॉन ε0। ठीक है, हुआ याद, यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और भी आता, वो ये होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी आता हमारा, देखा ध्यान से, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। खैर पूरा प्रश्न लेते हैं, बंद प्रश्न। ठीक है, तो फाई बराबर बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब ये देखो, ये भी क्या है, बंद प्रश्न से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, और ये भी क्या है, बंद प्रश्न से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। ये दोनों क्या आपस में बराबर, फाई बराबर बंद समाकलन ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर आर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही होता है गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप। क्या ये, यह गॉस की प्रमेय का, यह गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप है। यह गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप है। ठीक है, तो ये थी पूरी थ्योरम गॉस की। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं इसका प्रूफ, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद करते हैं इसका प्रूफ। अब पढ़ते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो मैं प्रूफ करता हूं इसको। प्रूफ मतलब उत्पत्ति, हिंदी में बोलते हैं इसको उत्पत्ति, इंग्लिश में बोला जाता है इसको प्रूफ। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय, पहला तो ये था जो परिभाषा इसकी, वो ये है कि किसी बंद प्रश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस प्रश द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/4πε0 होता। तो अब जो है इसको प्रूफ पढ़ते हैं। तो पहले तो बनाओ आप एक बंद प्रश, कोई सा भी बंद प्रश बना लेता हूं, एक गुब्बारे का ले सकते हो, कैसे भी देखो, बंद प्रश बना दिया एक बंद प्रश। अब इस बंद प्रश के भीतर एक बिंदु लो, और इस बिंदु पर आप एक प्लस क्यू चार्ज रख दो, रख दिया, और इस बिंदु का कोई पर्सनल नाम दे दो। ठीक है, अब जो है देखो एक छोटी सी परिभाषा बन गई, परिभाषा ये बनी है कि माना प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर एक बंद पृष्ठ के भीतर स्थित है। क्या है, माना प्लस क्यू आवेश एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। लिख देता हूं मैं चीज को, माना प्लस क्यू आवेश एक बंद पृष्ठ के भीतर, बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है, ओ पर स्थित है। ठीक है, ये यहां तक लिख दी। इसके बाद में देखो, इस बिंदु ओ से मैं लूंगा आर दूरी पर एक बिंदु लिया है मैंने पी। ठीक है, एक बिंदु मैं पी ले लेता हूं। ठीक है, यानी कि बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, एक बिंदु क्या है, पी है, जिसके चारों ओर क्षेत्रफल अवयव, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल अवयव। क्या है डीए, क्षेत्रफल अवयव। क्या है ये डीए, क्षेत्रफल अवयव। तो बिंदु पी के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव लिया है मैंने डीए, इसको लघु अवयव भी कह सकते हो आप, तो फिलहाल तो मैं बोलूंगा इसको क्षेत्रफल अवयव। ठीक है, तो बिंदु पी के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव डीए लेते हैं। ठीक, डीए लेते हैं। अब देखो इस लाइन को मैं इससे मिला देता हूं, और इस लाइन को मैं इससे मिला देता हूं। अब जो ये क्षेत्रफल अवयव है इस बिंदु ओ पर एक कोण बनाएगा, जिसका नाम होगा डी ओमेगा, इसको बोलते हैं हम घन कोण। अब अवयव छोटा है तो कोण भी कैसा होगा, छोटा होगा। अवयव कैसा है, छोटा है, तो कोण भी कैसा होगा, छोटा होगा। अब ये प्लस क्यू आवेश है तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस डायरेक्शन में,
क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर होती है। तो मैंने जो प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ली है उसकी डायरेक्शन कुछ इस साइड में होगी। ठीक है, एक ले लेता हूं मैं क्षेत्रफल अभियान इसी पॉइंट पे। यह है आपका क्षेत्रफल अभियान डीए वेक्टर और डॉट 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 डॉट, ये आ गया अपना एकांक सदिश। एन का क्या एकांक सदिश, यहां पर ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच कोण लिया है मैंने कितना, थीटा। कितना लिया, थीटा। तो मैं यहां बोल देता हूं कि ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर के बीच जो कोण है वो कोण कितना लिया है मैंने, लिया है थीटा है। कितना है थीटा, अब बस निकाल लेते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है, तब देखो, तब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है फॉर्मूला इसका। चलो देखो फॉर्मूला होता है इसका, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण बनाता हूं मैं इसको फर्स्ट, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये बना लिया मैंने समीकरण नंबर एक। क्या है ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे बढ़ाते हैं, अब देखो इस लघु अवयव से, यानी कि जो ये है आपके पास क्षेत्रफल अवयव, इस क्षेत्रफल अवयव से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। क्या गुजरेगा, वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अब प्रश्न छोटा है यानी कि अवयव छोटा है, क्षेत्रफल अवयव है, तो जब अवयव छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स भी जो होगा वो भी छोटा गुजरेगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि छोटे अवयव से यानी कि क्षेत्रफल अवयव से, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान देना अवयव छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा गुजरेगा। जब वैद्युत फ्लक्स छोटा गुजरेगा तो मैं यहां लगा दूंगा डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, अवयव छोटा है, क्षेत्रफल अवयव छोटा है, जब क्षेत्रफल अवयव छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटे गुजरेगा, इसलिए डी लगाया गया यहाँ पे। अभी जब डॉट खोलते हैं, जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं, यानी कि डॉट को हटाओ, डॉट को खोलो तो क्या आ रहा, ई डी ए कोस थीटा। क्या था, ई डी ए कोस थीटा। ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है जब ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर करते हो तो आता आपके पास ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, अब समीकरण एक से देखो, समीकरण एक से ई का मान रख दो, समीकरण एक से ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, चलो ठीक है ई का मान रखते हैं, ई का मान कितना है ये रहा देखो, ये है ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा। कुछ नहीं करा, डॉट हटाओ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जब ये डॉट हटाओगे तो क्या जाएगा तुम्हारे पास, कोस थीटा, यानी कि इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल में क्या आता है, कोस थीटा आता है। तो ई डी ए कोस थीटा, अब बस ई का मान उठा के इसकी जगह रख देना, रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा। अब इस क्यू को मैं इधर लिखा रहा हूँ क्योंकि गुणा में है, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर चल रहा है, डी फाई ई के बराबर, डी फाई ई के बराबर चल रहा है। अब ये जो वैल्यू देख रहे हो आप, ये वाली जो वैल्यू देख रहे हो ये किसके बराबर होगी, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या, ये है घन कोण। ठीक है, इस क्षेत्रफल अवयव द्वारा इस गोले के केंद्र जो बिंदु मैंने ओ लिया है, इस बिंदु ओ पर क्या है, ये घन कोण है, यानी कि क्षेत्रफल अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित घन कोण है, क्या है ये, डी ओमेगा। क्या है ये, डी ओमेगा। तो मैं इसकी जगह यूज कर रहा हूं, इसकी जगह मैं यूज कर रहा हूं डी फाई ई, डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू हो गई कितनी, डी ओमेगा। चूंकि आप जानते हो कि जो डी ओमेगा होता है वो डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक
ठीक है, यानी कि डी ओमेगा बराबर कितना जगह आपके पास, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो था क्षेत्रफल अभियान। अब पूरा प्रश्न ले लो, क्या लोगे आप पूरा प्रश्न, तो जो कोण छोटा है, जो घन कोण छोटा है, वो घन कोण कैसे हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखो संपूर्ण प्रश्न से होकर जाने वाला वेलोसिटी प्लस निकालते हैं। ये क्या था जो मैंने निकाला है, ये यानी कि डी फाई ई, यानी कि जो मैंने निकाला है डी फाई ई, ये निकाला है क्षेत्रफल अभियान से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। और अब क्या निकालूंगा मैं, अब निकालूंगा इस पूरे संपूर्ण प्रश्न द्वारा, यानी कि संपूर्ण प्रश्न से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखते हैं कितना आता है फिर। तो संपूर्ण प्रश्न द्वारा, संपूर्ण प्रश्न से होकर जाने वाला, होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो जब संपूर्ण प्रश्न से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालोगे आप, तो ये डी हट जाएगा आपका, खाली बचेगा फाई ई, क्या बचेगा फाई, और इधर आ जाएगा हमारा समाकलन। योग करने के लिए समाकलन का यूज किया जाता है, एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लूंगा और बंद समाकलन डी ओमेगा अंदर लेंगे। बंद समाकलन डी ओमेगा हमने कर लिया, अंदर ले लिया, यानी कि छोटे अभियव को बड़ा करने के लिए हम समाकलन का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर समाकलन का यूज करा। अब जो है डेटा हमारा, ये जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी q अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो ये वैल्यू दे रखी है पूरी की पूरी, ये होती है 4 पाई, क्या होती है 4 पाई, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर आंतरित घन कोण, क्या ये जो मैंने लिया है ये 4 पाई, ये क्या है तुम्हारे पास, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, ठीक है, बिंदु O पर आंतरित घन कोण है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू मैंने ली है, बंद समाकलन डी ओमेगा आर इक्वल टू 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हमारे पास आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये वैल्यू आती है फाई की, और यही होती है गॉस की प्रमेय, ठीक है। ये क्या, ये गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय है, ठीक है। तो यहां पे क्या होती है, गॉस की प्रमेय प्रूफ हो जाती है, या क्या होती है, गॉस की प्रमेय प्रूफ हो जाती है। बस अब इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स।